Hey, hi everyone. So welcome back to my another video that will cover SA-230 audit documentation. SA-230 documentation expounds the basic principle of documentation and requires that the working paper should be prepared or obtained by the auditor and retained by him in connection with performance of his audit. See, SA-230 में हम लोग बात करेंगे कि basic principle क्या है documentation करने का. किस बात का documentation? मैं जितना audit procedure perform कर रहा हूँ, मुझे जितना कंक्लूजन्स मिल रहा है और मैंने जितना ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया, मतलब ओवरऑल आई कैन से दैट ऑडिट में जो जो हुआ दैट वी हैव टू डॉक्यूमेंट. ओके, सो दैट हमारे पास रिकॉर्ड रहे और एविडेंस रहे दैट हमने कैसे कैसे ऑडिट को परफॉर्म किया है, एक ट्रेल रहे, राइट. सो भाई, इट इज़ टेलिंग दैट हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड रिक्वायर्स दैट वर्किंग पेपर शुड बी प्रिपेयर्ड और ऑब्टेंड बाय द ऑडिटर एंड रिटेन्ड बाय हिम. ठीक है, वर्किंग पेपर्स को और आई कैन से ऑडिट डॉक्यूमेंट को ऑडिटर को अपने पास रखना चाहिए. ओके, इन कनेक्शन विद द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑडिट. ये जो वर्किंग पेपर बनेगा ये किसके रिस्पेक्ट में बनेगा? इन कनेक्शन विद द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट. नाउ सी, मीनिंग क्या है? द टर्म ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हैज बीन डिफाइंड एज द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजंस रीच्ड. मैंने सबसे पहले ही बोला था कि मैं डॉक्यूमेंट क्या करूँगा, तीन चीज़, रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, मैंने क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया है, रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेंड, मैंने क्या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है एंड द कंक्लूजन ऑडिटर्स रीच्ड. इन सब को ही हम लोग कहते हैं वर्किंग पेपर्स. सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और आई कैन से वर्किंग पेपर्स. पर्पसेस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, हम लोग क्यों अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को, कंक्लूजन्स को, एविडेंस को डॉक्यूमेंट करते हैं, वाई? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व्स अ नंबर ऑफ पर्पसेस इंक्लूडिंग असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट. एंगेजमेंट टीम जो है, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेड ऑडिट वर्किंग पेपर है तो उसके हेल्प से हम लोग प्लान और परफॉर्म कर सकते हैं ऑडिट. लाइक आप पिछले साल का वर्किंग पेपर्स को अगर आप रेफर करोगे तो उसके हेल्प से आपको बहुत सारे ऐसे एक्शन स्टेप्स मिलते हैं सो दैट यू विल प्लान एंड परफॉर्म योर ऑडिट इफेक्टिवली. असिस्ट द मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट एंड टू डिस्चार्ज देयर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो, एंगेजमेंट टीम प्लान एंड परफॉर्म करती है ऑडिट, इसमें हेल्प करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. जो एंगेजमेंट टीम को सुपरवाइज करने का रिस्पॉन्सिबल है ना, उसको भी हेल्प करता है सुपरवाइज करने में एंड डिस्चार्ज देयर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए, जो लोग सुपरवाइज कर रहे हैं ऑडिट को, वो सुपरवाइज भी करते हैं और रिव्यू भी करते हैं, तो उनको अपने सुपरवाइजिंग एंड रिव्यू की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने में भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता है. इनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क. हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ये भी रिकॉर्ड करते हैं, अगर आपको आपको अगर याद हो SA-299 में, तो वी नीड टू रिकॉर्ड दैट जब जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं तो फिर किस ऑडिटर को किस एरिया का वर्क अलॉट किया गया है, राइट. सो अगर वो चीज़ डॉक्यूमेंटेड है तो द ऑडिटर विल बी अकाउंटेबल फॉर देयर एरिया ऑफ वर्क. ओके, सो भाई यहाँ पर कह रहा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इनेबल्स द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर हिज वर्क, रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट. मतलब आज अगर मैं सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स को रिकॉर्ड करता हूँ तो वो फ्यूचर ऑडिट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन. मैंने SA-220 में बोला था दैट जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होते हैं, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, वो लोग वर्किंग पेपर से दो चीज़ देखते हैं, एक तो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स और दूसरा कंक्लूजन रीच्ड. यू रिमेंबर, आप लोगों को याद होगा मैंने SA-220 में इस बात का जिक्र किया था, ठीक है, आप लोग अगर उस वीडियो को सुने होंगे तो. सो वही जो इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है उनका रिव्यू में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता है. ओके, इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लीगल रेगुलेटरी और अदर रिक्वायरमेंट. कोई अगर बाहर से इंस्पेक्शन करने वाले लोग आए हैं तो उनको भी हेल्प करता है. वो लोग आएंगे और देखिए, वो लोग आकर ओरली तो पूछेंगे नहीं कि आपने कैसे कैसे ऑडिट किया था, बेटर टू सी इन अ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म. तो वो लोग सब एवरीथिंग दे वॉन्ट इन अ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म सो दैट वो वर्किंग पेपर्स को रेफर कर ले टू चेक आउट दैट क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स हुए थे, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किया गया है, और ऑडिट करते टाइम क्या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया गया है, राइट. चलो, नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिटर जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं उसका नेचर क्या होना चाहिए? सी, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन दैट प्रोवाइड्स
किस तरीके का होना चाहिए. ओके, सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड ऑफ द बेसिस फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट. देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जितने भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे एविडेंस मिल रहा है, एविडेंस के बेसिस पे कंक्लूड कर रहे हैं, और जो मेरा कंक्लूजन हुआ है उसके बेसिस पे ओपिनियन देते हैं अपने ऑडिट रिपोर्ट में, राइट. तो ये जो मैंने पीछे का जो तीन वर्ड बोला ना, ऑडिट प्रोसीजर मैंने किया, एविडेंस मुझे मिला, कंक्लूड मैंने किया, और उस कंक्लूजन के बेसिस पे ओपिनियन दिया. ओपिनियन हम लोग देते हैं रिपोर्ट में, वो सबसे फाइनल लेग है ऑडिट का. ओके, तो ये जो फाइनल लेग है इसके पीछे दो तीन चीज़ें हैं, ये ऑडिट प्रोसीजर, एविडेंस, कंक्लूजन, तो इन सब चीज़ों को हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, ठीक है. तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि एक सफिशियंट और अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड होना चाहिए दैट आपके रिपोर्ट का बेसिस क्या है, ठीक है. तो ये जो मैंने चार चीज़ बोला जिसमें कि फाइनल था ओपिनियन, तो ओपिनियन का बेसिस होते हैं प्रोसीजर्स, एविडेंस. मैं कहता हूँ आपको अगर कुछ एविडेंस मिलता है तभी तो आप कुछ ओपिनियन आपका आता है कि हाँ नहीं चलो इसके रिस्पेक्ट में मुझे एविडेंस मिला है तो मेरा ये ओपिनियन बनता है. ओके, तो इसीलिए आपका डॉक्यूमेंटेशन जो होना चाहिए वो इतना सफिशियंट और अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड होना चाहिए फॉर द बेसिस ऑफ योर ऑडिटर्स ओपिनियन, सॉरी ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंड एविडेंस दैट द ऑडिट वॉज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेज एंड एप्लीकेबल एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. आपके जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो इस बात के एविडेंस होंगे कि आपने जो ऑडिट किया है, ठीक है, वो ऐसे के अकॉर्डिंग है और बिल्कुल वो लॉ एंड अदर एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है. क्योंकि आप जो ऑडिट करने का आपका तरीका होगा, मैंने क्या बोला, तीन चीज़ आती है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेंड एंड कंक्लूजंस रीच्ड. ये हम लोगों ने डेफिनेशन में भी देखा था यहाँ पे मीनिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में. तो आप जब प्रोसीजर को रिकॉर्ड करोगे तो प्रोसीजर को जो आप रिकॉर्ड करोगे वो इन अकॉर्डेंस विद ऐसे होगा. ऑब्वियसली आप जो भी प्रोसीजर कर रहे होंगे वो लॉ के अकॉर्डिंग या ऐसे के अकॉर्डिंग कर रहे हो. स्टैचुरी ऑडिट का स्कोप लॉ से आता है, राइट. तो इसीलिए योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वुड बी द एविडेंस दैट यू हैव प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे एंड अदर एप्लीकेबल लॉ. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, इट सेज दैट टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ये जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ये भी टाइमली होना चाहिए. कहता है द ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन अ टाइमली बेसिस. इट हेल्प्स टू इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड फैसिलिटेट द इफेक्टिव रिव्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेंड एंड कंक्लूजंस रीच्ड. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाने से टाइमली ऑडिट का क्वालिटी इन्हेंस होता है. ओके, बिकॉज आप अगर ऑडिट कर लोगे और कुछ भी कहीं पर रिकॉर्ड नहीं करोगे तो कोई अगर चेक करने आएगा कि आपने कैसा ऑडिट किया है तो उसे पता नहीं चल पाएगा, बिकॉज हु नोज आपने कल क्या किया था, राइट. और वहीं अगर आप अपने हर प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट करते हैं कि मैंने इस चीज़ को चेक करने के लिए ऐसा किया है और ऐसा करने पे मुझे ऐसा एविडेंस मिला है और इस एविडेंस के बेसिस पे मैंने ये कंक्लूड किया है. ओके, तो वही कह रहा है कि ये जो है वो इन्हेंस करता है क्वालिटी ऑफ ऑडिट और फैसिलिटेट करता है इफेक्टिव रिव्यू. मैंने बोला था ना आपके ऑडिट को कोई भी रिव्यू करेंगे, कोई भी अगर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंटेशन ही देखेंगे. ओके, क्योंकि उन लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि व्हेन यू आर कंडक्टिंग ऑडिट तो आप सारे प्रोसीजर्स को, सारे एविडेंस को, सारे कंक्लूजन्स को रिकॉर्ड कर रहे होंगे. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन ताकि आपको याद हो जाए कि डॉक्यूमेंटेशन में रिकॉर्ड क्या होता है. ओके, एंड इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेंड एंड द कंक्लूजन्स रीच्ड, सेम थिंग. नाउ फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है. द ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशियंट टू इनेबल एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर टू अंडरस्टैंड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. सी, आपको एक ऐसा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना है जो कि सफिशियंट हो किस बात के लिए, कि एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर को समझाने के लिए कि आपका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या था ऑडिट प्रोसीजर का. देखो ये इस केस में होगा ना जब मैं ऑडिट करके चले गया और कोई दूसरे ऑडिटर उस कंपनी में आ गया, मैंने कंपनी का ऑडिट किया, उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया या मेरा टर्म पूरा हो गया और एक दूसरे ऑडिटर आए, तो आप जो ऑडिट करके गए हो आपका वर्किंग पेपर इतना सफिशियंट होना चाहिए दैट जो न्यू ऑडिटर आ रहे हैं ना उनको आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के आइडिया लग जाए कि आपके ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट क्या था. ओके, आपके ऑडिट प्रोसीजर्स का रिजल्ट क्या था और आपने क्या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया था. ओके, एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंड कंक्लूजन्स रीच देयर ऑन. क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स थे जो कि अराइज हुए थे और उस पर क्या कंक्लूजन हुआ था. सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स जो आपने लिया था
इन रीचिंग दोज कंक्लूजन. सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये जो तीन चीज़ है ना, कहने का मतलब है कि ये तीनों को हमें इतना प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है सो दैट एक एक्सपीरियंस ऑडिटर जो न्यू है वो अगर आते हैं तो आपके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के ये तीन बातें तो समझ में आनी ही चाहिए उसको, राइट. तो हमें ऐसा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना है. उसके बाद है, इन डॉक्यूमेंटिंग द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म द ऑडिटर शैल रिकॉर्ड. जब हम ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म कर रहे हैं उसका नेचर टाइमिंग एक्सटेंट और एक्सटेंट इसको रिकॉर्ड करते टाइम में ऑडिटर किस बातों का ध्यान रखेंगे. द आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पेसिफिक आइटम और मैटर्स टेस्टेड. हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क एंड द डेट सच वर्क वॉज कम्प्लीटेड. ठीक है. एंड किसने रिव्यू किया वर्क को और डेट एंड एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू. ये तीन चीज़ आपको रिकॉर्ड करना है व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड. ठीक है, कि एक जो स्पेसिफिक आइटम था जिसको मैंने चेक किया उसका करेक्टरिस्टिक क्या है, उसके बाद किसने काम किया और कब वो काम कंप्लीट हुआ, डेट, किसने रिव्यू किया और कब किया, कितने हद तक किया, एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू. ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन से, कि वो कौन से फैक्टर है जो आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म, मतलब वो किस तरीका का होगा, कंटेंट मतलब उसमें क्या क्या होगा, और एक्सटेंट वो किस हद तक होगा. ये तीन चीज़ को अफेक्ट करते हैं, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट. पहला है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी. ऑब्वियसली अगर साइज बड़ा है तो कंटेंट ज़्यादा होगा, फॉर्म कुछ और होगा, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो हमें एक्सटेंट में मेरा डिफरेंस आएगा. नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, आप किस तरह के ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं इससे भी कंटेंट में डिफरेंस आएगा. ठीक है, बिकॉज ऑडिट प्रोसीजर ही आपका कंटेंट होने वाला है, वन ऑफ द कंटेंट, राइट. आइडेंटिफाइड आरएमएम, आपने जो आइडेंटिफाई किया है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट उस पर भी डिपेंड करता है. वो अगर ज़्यादा मटेरियल है तो यू हैव टू रिकॉर्ड, अगर नहीं है तो यू डोंट हैव टू रिकॉर्ड. सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, कोई ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन किया वो कितना सिग्निफिकेंट है. नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, एक्सेप्शंस मीन्स होता है कुछ गलत. ठीक है, कुछ आपको अगर ऐसे एक्सेप्शंस मिले हैं तो उसका नेचर एंड एक्सटेंट क्या है, मतलब कहने का मतलब कि अगर वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है तो वी विल रिकॉर्ड, अदरवाइज वी विल इग्नोर. मीन्स अगर वो इमटेरियल हो तो. द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और द बेसिस फॉर अ कंक्लूजन नॉट रेडिली डिटर्मिनेबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन. सी, कब हम लोग को कभी कभी, जैसे मैंने बोला कि जो कंक्लूजन है वो हम लोगों को ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने से मिलता है. ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे कंक्लूजन्स होते हैं यहाँ देखिएगा, या बेसिस ऑफ कंक्लूजन विच आर नॉट रेडिली डिटर्मिनेबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेंड. मैंने जो काम किया उसका मैंने प्रोसीजर को रिकॉर्ड कर लिया, ऑडिट एविडेंस भी जो ऑब्टेंड हुआ उसे भी रिकॉर्ड कर लिया, बट अभी भी हमको उस कंक्लूजन का, मतलब कि उस कंक्लूजन या बेसिस ऑफ कंक्लूजन मुझे मिल नहीं पा रहा है, तो उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं. ठीक है, ओके, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लैग हुआ होगा. चलो, तो आई रिपीट दिस पॉइंट, द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और द बेसिस फॉर अ कंक्लूजन विच इज नॉट रेडिली डिटर्मिनेबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड. मैंने जो वर्क परफॉर्म किया है उसका जो डॉक्यूमेंटेशन किया है ना, उससे मुझे कंक्लूजन या बेसिस फॉर अ कंक्लूजन नहीं मिल रहा है. ठीक है, मतलब मैंने काम कर दिया, मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उस काम को, उस ऑडिट एविडेंस को मैं डॉक्यूमेंट करूँगा और इससे मेरा फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट पे असर पड़ेगा. द ऑडिट मेथड एंड टूल्स यूज्ड, ऑब्वियसली आप जिस तरह के टूल यूज़ करेंगे आपका कंक्लूजन्स अलग होगा, प्रोसीजर्स अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कंटेंट चेंज होंगे. टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ओके, सो दीज आर द 8 पॉइंट्स दैट अफेक्ट्स फैक्टर्स that affects form, content and extent of audit documentation, and it is quite important. Okay, now next, documentation of discussions. जितने भी बात होते हैं ना वो भी हमें document करना चाहिए, बहुत important है. क्यों? Because हम लोग कभी कभी discussion ही इतने critical और I can say significant matters पे करते हैं कि the auditor shall required to document that also for future reference. See, द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट डिस्कशंस ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विद मैनेजमेंट. मैनेजमेंट से जो हम सिग्निफिकेंट मैटर्स पे बातें कर रहे हैं, ठीक है, या तो TCWG से जो बातें कर रहे हैं एंड अदर्स, इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, मतलब वो जो सिग्निफिकेंट मैटर्स था उसका नेचर क्या था, वो कब हुआ डिस्कस और किसके साथ हुआ डिस्कस. ठीक है, ये हम लोगों को डॉक्यूमेंट करना होता है.
अगर ऑल्टर ये आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज अगर ऑल्टर ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन है दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द ऑल्टर्स फाइनल कंक्लूजन. देखो आपने कुछ कंक्लूड किया था, बाद में आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिले जो कि आपके कंक्लूजन से डिफरेंट है. ओके, रिगार्डिंग अ सिग्निफिकेंट मैटर द ऑल्टर शैल डॉक्यूमेंट हाउ द ऑल्टर एड्रेस द इनकंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंसी क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज आपके कंक्लूजन से वो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट था. ओके, तो अगर किसी सिग्निफिकेंट मैटर पे आपने कुछ कंक्लूड किया है, उसके बाद वाइल डूइंग द ऑडिट यू फाउंड सम इन्फॉर्मेशन दैट इज इनकंसिस्टेंट विथ योर ओपिनियन और योर कंक्लूजन, तो आपको ये डॉक्यूमेंट करना है कि उस इनकंसिस्टेंसी को आपने हैंडल कैसे किया. ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट करना है कि उस इनकंसिस्टेंसी को हाउ यू हैंडल्ड. नाउ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ डिपार्चर फ्रॉम अ रेलिवेंट रिक्वायरमेंट. अगर कोई रेलिवेंट रिक्वायरमेंट से आपने डिपार्ट किया, आई मीन आपने उसे कंप्लाई नहीं किया, तो यू नीड टू डॉक्यूमेंट दैट. कहता है अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ऑल्टर जजेज इट नेसेसरी टू डिपार्ट फ्रॉम अ रेलिवेंट रिक्वायरमेंट इन अ एसे. एसे 200 में हम लोग पढ़ते हैं कि जब तक कुछ बहुत ही क्रिटिकल ना हो हमें हर एसे से कंप्लाई करना है. ओके, सो सेम थिंग इट इज टेलिंग हियर दैट अगर किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में ऑल्टर ये जज करता है कि ये बहुत ही नेसेसरी है टू डिपार्ट फ्रॉम अ रेलिवेंट रिक्वायरमेंट इन एसे, तो ऑल्टर ना कुछ डॉक्यूमेंट करेंगे. क्या रीज़न क्या था डिपार्चर का, क्यों आपने कंप्लाई नहीं किया, एंड ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म्ड. देखो कभी भी हम लोग अगर ऐसे के किसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को छोड़ते हैं ना, तो ऐसे कहता है कि अगर तुम इस रिक्वायरमेंट को करना पॉसिबल नहीं है तो कुछ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर तो पक्का करो. ओके, तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि द इन सच केसेस द ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट दैट उन्होंने क्यों डिपार्ट किया, द रीज़न फॉर द डिपार्चर एंड द ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म्ड. ठीक है, नो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैटर्स अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑल्टर्स रिपोर्ट. ऑल्टर्स रिपोर्ट के डेट के बाद कोई मैटर ऐसा अराइज हो गया तो अगेन इफ इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऑल्टर परफॉर्म न्यू और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर और ड्रॉ न्यू कंक्लूजन आफ्टर द डेट ऑफ ऑल्टर्स रिपोर्ट. जनरली ऐसा नहीं होता है कि ऑल्टर्स रिपोर्ट पे डेट पढ़ने के बाद, साइन होने के बाद कोई नया प्रोसीजर किया जाता है. ठीक है, बट अगर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऑल्टर को कुछ ऐसा बहुत ही भारी दिखा जो कि अगर पहले पता रहता, अगर वो सिग्निफिकेंट थिंग जो उसे पता चला है अभी, अगर उसे पहले पता रहता ना, तो वो क्या करता दैट उसके ऑडिट रिपोर्ट में अभी जो ओपिनियन है उसे वो बदल देता. मतलब अगर उसे पहले पता होता तो उसका ओपिनियन कुछ और होता. तो उसको अगर ये रियलाइज़ है कि अरे ये तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, तो उस केस में वो ना कोई न्यू या कोई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करता है और कुछ उससे कुछ न्यू कंक्लूजन्स मिलते हैं. ठीक है, तो ऑडिटर क्या डॉक्यूमेंट करेंगे ऐसे केसेस में? सर्कमस्टांसेस इनकाउंटर्ड, वो क्या सर्कमस्टांसेस था जिसके कारण ऑडिटर को ऐसा करना पड़ा, ऑडिटर का ऑडिट रिपोर्ट पे डेट डालने के बाद भी उसको न्यू प्रोसीजर करना पड़ा, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे, दिस द ऑडिटर नीड टू डॉक्यूमेंट. द न्यू और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेंड एंड कंक्लूजन रीच्ड एंड देयर इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. आपने क्या नया प्रोसीजर किया वो बताओ, क्या नया ऑडिट एविडेंस मिले और क्या नया कंक्लूजन पे आप पहुँचे और उसका इफेक्ट क्या पड़ा ऑडिट रिपोर्ट पे, एंड व्हेन एंड बाय होम द चेंजेस टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वर मेड एंड रिव्यू. अब आप न्यू प्रोसीजर किए हो तो आपको न्यू मतलब कि न्यू थिंग्स तो ऐड करने पड़ेंगे ना डॉक्यूमेंटेशन में अबाउट दिस. ये जो नया हो गया एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, आपने न्यू प्रोसीजर परफॉर्म किया, न्यू कंक्लूजन्स लिया, न्यू ऑडिट एविडेंस लिया, तो इस बातों को जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट किया ना, इसे किसने रिव्यू किया, ये आपको लिखना है. ओके, असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल इंपॉर्टेंट है. द ऑडिटर शैल असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन अ ऑडिट फाइल एंड कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द फाइनल ऑडिट फाइल ऑन अ टाइमली बेसिस आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. ध्यान देंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट के डेट के बाद, ठीक है, असेंबल करना होता है फाइनल ऑडिट फाइल को. तो सारे डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करके और एक ऑडिट फाइल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडिट फाइलिंग. ओके, और ये ऑडिटर्स रिपोर्ट के डेट के बाद होता है. After the assembly, the auditor shall not delete audit documentation, shall not delete the audit documentation before the end of its retention period. देखो audit documentation का भी ना कुछ retention period होता है. ओके, दैट आपको इतने दिनों तक अपना audit report तो रखना ही है, and that retention period is 7 years. 7 years, okay? 7 years from the date of auditor report. तो वो जो हम लोगों ने final assembly audit file बनाया वो हमें 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट तक रखना ही रखना है, दैट ऑडिटर्स कांट डिलीट. अब आते हैं ओनरशिप, ये भी एसे 230 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. हम लोग इंटर में बहुत बार पढ़े हैं और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, फाइनल लेवल पे भी बनते हैं. ओके,
कहता है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ, मतलब क्या हुआ, जब तक लॉ में कहीं बोला ना गया हो, कहीं स्पेसिफाई ना किया गया हो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर है। जनरल केस, ऑडिटर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर एक्सेप्ट इफ स्पेसिफाइड इन लॉ अदरवाइज, मतलब अगर लॉ में कुछ और लिखा हो तो बात अलग है, अदरवाइज हम लोग ये मानते हैं ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब वो जो ऑडिटर है ना, मे एट हिज डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन मतलब अपने मन से, अगर उसकी इच्छा हो तो, अगर उसकी इच्छा हो तो उसका पोर्शन या एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब इसका एक्सट्रैक्ट या इसका पोर्शन वो क्लाइंट्स को दे सकते हैं, प्रोवाइडेड इसके भी कंडीशन है। सबसे तो पहली बात, ऑडिटर्स का प्रॉपर्टी होते है वर्किंग पेपर्स, ठीक है, अनलेस स्पेसिफाइड इन लॉ अदरवाइज, और वो अपने मन से उसका पोर्शन या उसका एक्स्ट्रैक्ट क्लाइंट को दे सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। अब वो अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसके काम को अंडरमाइन करेगा, मतलब गलत बोलेगा, यू कैन से इन द केस ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट डज नॉट अंडरमाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर और हिज पर्सनल। अगर ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है समवेयर रिलेटेड टू ऑडिट, तो कोई इसके इंडिपेंडेंस पे शक नहीं करेगा, अंडरमाइन नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर या उसके टीम का पर्सनल। ओके, सो दिस मार्क्स एन एंड ऑफ एन अनदर एसे, ठीक है। चलो देखो, आप लोग अगर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखोगे ना, सी आरटीपी मे 20 में आया है, ये फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने बोला काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मे 18 के न्यू सिलेबस में भी इससे आया हुआ है क्वेश्चन, ये ओनरशिप पे ही आया हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन का ओनर कौन होगा एंड ऑल, तो ये सब ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा आप लोग। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अभी तक मैंने किस पे रिकॉर्ड कर दिया, ऐसे 210 पे कर दिया, 20 पे कर दिया, 30 पे कर दिया, 40 ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ओके, और हाँ इतने सारे पे हो गए। ओके, और बाकी 530 भी आप अगर देखो तो वो भी अवेलेबल है, 250 और 60 पे भी हो गया है, 265 पे भी हो गया है। दिस वे आई विल गो स्लो। ओके, वन ऐसे पर डे आई विल ट्राई दैट आई विल रिकॉर्ड। आप लोग कंटिन्यू रखिए अपना सेल्फ स्टडी, और कुछ भी डाउट हो तो अपने ग्रुप पे पूछ लीजिए। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, बाय।